ব্যান্ড। আসসালামু আলাইকুম ডক্টর সাহেব, বস। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शाइनिंग कर रहे हैं, शाइनिंग शाइनिंग लिटिल स्टार। सुना है बहुत ज्यादा बारिश हो गई इस्लामाबाद में, और बहुत ज्यादा बारिश हो गई यार, दफ्तर के अंदर पानी भी आ गया बस। अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है सर? ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताए, हाशिम भाई चले गए? यार वही मजाज खराब है आज भाई के। अच्छा, आज अफसोस हुआ, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, मोस्ट अट्रैक्टिव, और लोग तो शायद ये याद रखें कि जी वो वन ऑफ द फाइव बैट्समैन जिन्होंने दोनों फॉर्मेट्स में, वनडे में और टेस्ट मैच क्रिकेट में, मोर देन 2500 स्कोर की दोनों फॉर्मेट्स में। दो बंदे हैं जिन्होंने 8000 रन प्लस स्कोर किए फॉर साउथ अफ्रीका। मैं समझता हूँ कि हाशिम आमला, देखिए क्रिकेटर्स बहुत बहुत आए, शायद ए बी डिविलियर्स ने इनको आउटशाइन किया इनके करियर में, और कप्तानी के अहल ना साबित हुए बिकॉज ग्राम स्मिथ बहुत अच्छा कप्तानी कर गए। इनिशियली शॉन पॉलक थे और बाद में फाफ डी प्लसी को कप्तानी मिल गई ए बी डिविलियर्स। राशिद, मेरे जो एक ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स इंटरनेशनल क्रिकेटर, जो एक रोल मॉडल और जो एक इन्फ्लुएंस था यंगस्टर्स पे, और जिस तरह ईजफुली उसने क्रिकेट खेली, और शायद इतने बड़े क्रिकेटर नहीं है जिनका मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। मोइन अली में भी वही वर्सटिलिटी है जो हाशिम आमला में आपको नजर आती थी, इम्पैक्ट क्रिएट करना यंगस्टर्स पे। तो आपका क्या ख्याल है? नहीं डॉक्टर, आप देखिए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम एक क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर की स्टार्ट जो ले रहे हैं उसकी इंसानियत से शुरू कर रहे हैं, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किस प्लेयर को हो नहीं सकता। तो नहीं, बात ठीक, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से जब क्रिकेट में आए थे, ऑर्डिनरी प्लेयर थे, और उसके बाद जिस तरह से, क्योंकि इनके भाई जो थे अहमद आमला, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद इन्होंने अपने आप को साबित किया, और उसके बाद साबित करते ही चले गए। और सेकंड फाइव, मतलब अगर हम फास्टेस्ट 1000 रन देखें, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 एंड 8000, टॉप थ्री में नजर आएंगे आपको, क्योंकि लास्ट मुझे याद है वर्ल्ड कप में 8000 कंप्लीट किए, सेकंड फास्टेस्ट 1000 रन पहली शायद विराट कोहली की या विव रिचर्ड की थी, इतना मुझे याद नहीं, लेकिन सेकंड ये हुए हैं। तो लोग तो बात करते हैं, लेकिन साथ के खेलने वाले प्लेयर, डेल स्टेन हो जाए, वन पार्नल हो जाए, ए बी डिविलियर्स हो जाए, स्मिथ हो जाए, जो भी नाम आप लेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छी नजर से देखते हैं। बाकी पूरी दुनिया के प्लेयर जो टॉप प्लेयर्स गुजरे हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा मतलब स्टेटमेंट दिए, कमेंट किए हैं हाशिम आमला के ऊपर, और बहुत बड़े खिलाड़ी थे और इंसान से महरूम हो गया साउथ अफ्रीका, और वर्ल्ड क्रिकेट एक बड़े खिलाड़ी से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राशिद। अब अगर आप गौर करें, डेल स्टेन पहले रिटायर हुए टेस्ट मैच क्रिकेट से और अब इंटरनेशनल क्रिकेट से, हाशिम आमला, साउथ अफ्रीका की जो इस वक्त सिचुएशन है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करते हुए कि जी ऐसे लग रहा है जो ए बी डिविलियर्स का भी इंटरेक्शन हुआ वर्ल्ड कप के दौरान, कि फैफ डी प्लसी शायद फुटहोल्ड लूज करते जा रहे हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट का, और हमें शायद नजर आए कि साउथ अफ्रीका एक रीवैम्प की तरफ जाए, क्योंकि शायद फैफ डी प्लसी जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उतने अच्छे कप्तान साबित हो नहीं सके। लेकिन हाशिम आमला को अपॉर्चुनिटी मिली वर्ल्ड कप पे जाने की, और राशिद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरियां हैं, 51 उनकी जो सेंचुरीज हैं टेस्ट मैचेस में हैं, और 49 उनकी वनडे इंटरनेशनल में है। रिकी पॉन्टिंग की 41 टेस्ट मैचेस में है, 30 वनडे इंटरनेशनल में है। कुमार संगकारा, अब आप जरा वो देखिएगा, मैं जान पूछ के आपको बता रहा हूँ कि आप जरा गौर करते जाएं कि कुमार संगकारा की 38 सेंचुरियां जो है वो वन टेस्ट मैचेस में है, 25 वनडे में है, और फिर हाशिम आमला 28 टेस्ट मैच सेंचुरियां, 27 वनडे इंटरनेशनल 100, और विराट कोहली अभी क्योंकि जारी है वो इन सबको ही शायद बीट कर दे 25 टेस्ट में और 41 वनडे में। तो आप जरा गौर फरमाएं, मॉडर्न डे क्रिकेट के अलावा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा, हाशिम आमला और विराट कोहली, क्या हाशिम आमला को ये प्रोफाइल मिला जिस लीग में वो नजर आते हैं आपको?
डॉग आपके ये दो सवालात हुए, और जो आपका पहला सवाल था ना वो आउटस्टैंडिंग था, दूसरे सवाल स्टेट्स की बुनियाद पे है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। पहला सवाल वाकई में कमाल का है, वो ये थे कि एबी डिविलियर्स की बात की आपने, डेल स्टेन की बात की, हाशिम आमला की बात की, साथ में फाफ डुप्लेसी की कप्तानी की भी बात हो गई। तो ये वो वक्त है वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के बाद आया जहाँ पे ये तीन प्लेयर क्रिकेट से अलहदा हो गए, और ये तीनों कितने बड़े प्लेयर थे, इनको देखने के लिए लोग आया करते थे ग्राउंड पे, स्टेडियम पे, बाकी टीवी पे भी इन्हीं को देखा जाता था। अभी ये फ्रेंचाइज क्रिकेट को खेलेंगे या खेल रहे हैं, अभी डिविलियर्स तो खेल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमरान ताहिर भी चले गए, फिर कॉल पैक में कॉलिन इंग्रम भी चले गए, फिर काइल एबर्ट भी चले गए। तो साउथ अफ्रीका के कैप्टन को प्रॉब्लम तो है, फाफ डुप्लेसी को फ्री हैंड नहीं है क्योंकि उनके लॉज, उनके कवानीन उसको अलाउ नहीं कर रहे कि वो अपनी अच्छी टीम में बना सके। लेकिन इनके जाने से एक बेनिफिट शायद फाफ को मिल सके कि वो शायद कंटिन्यू कर जाए अपनी कैप्टनसी। पीटर मोर का सुन रहे हैं कि वो शायद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में एज ए हेड कोच आए, क्योंकि ऑसिस गिब्सन जा चुके हैं, उनको उनका रिन्यू नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे बेनिफिट होगा फाफ डुप्लेसी को कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं और नए प्लेयर लेके आना चाहते हैं, प्लेयर तो मिल जाएंगे, तो उनको एक पुश मिल गई है क्योंकि हाशिम भी नहीं है, एबी भी नहीं है, और साथ में डेल स्टेन, सारे चारों के चारों बड़े प्लेयर जो थे सीनियर प्लेयर चले गए। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं हाशिम की, जिस तरह से उन्होंने सिर्फ साउथ अफ्रीका होता है ना कि होम कंडीशन में रन करना, इंग्लैंड में उन्होंने रन किए, डबल सेंचुरी की, उन्होंने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में बड़े परफॉर्म किया, हर जगह जहां में मुश्किल कंडीशन थी उन्होंने परफॉर्म किया, और जो रिकॉर्ड आपने बताया बिल्कुल उस लिस्ट में लेके आके आपने खड़ा कर लिया जहाँ पे सचिन है, रिकी पॉन्टिंग है, या कार्लिस है, क्या कुमार संगकारा हो गए, या विराट कोहली है उसमें अब जो अभी खेल रहे हैं, तो इनको मतलब कि इतनी आसानी से भुलाया नहीं जाएगा। ये एक अपना नाम हर जगह पे एक एज ए इंसानियत के भी अगर देखा जाए, एज ए प्लेयर भी देखा जाए, और एज ए मेंटोर भी देखा जाए, तो इनका नाम कभी भुलाया नहीं जाएगा। डॉक्टर राशिद, आपने बड़ी मजे की बात की, आपको मैं एक वाकया सुनाऊंगा और फिर आपसे एक सवाल करता हूँ कि शायद बहुत श्रूट डिसीजन लिया हाशिम मामला ने, और वो मैं बैक करूंगा अपनी एक एविडेंस से। लेकिन मैं केप टाउन डर्बन, हम स्टेडियम में मैं गया केप टाउन, तो केप टाउन पे, तो वहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज थी कि अहमद आमला जो आपने नाम लिया, उनका चर्चा था कि वो साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, और ये दो भाई वहां पे खेल रहे थे, और हाशिम जो है वो पहले खेल गए साउथ अफ्रीका से और फिर ये बाहर हो गए बिकॉज ऑफ इम्पेचुअस थे, थोड़े रेकलेस थे, टेक्निक का मसला था, दूर खेल जाते थे, आउट हो जाते थे। अहमद आमला कहीं गुम हो गए और हाशिम आमला वेंट ऑन टू बिकम, मतलब इन्होंने इतनी मेहनत की, हालांकि इनको कम्पीट करते थे अहमद, मतलब अहमद को कहा जाता था कि वो खेलेंगे। सो मुझे ये याद है कि एक इनके एक्स टेस्ट क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा कि अहमद आमला का ऑटोग्राफ ले लो, ही विल बी द स्टार ऑफ साउथ अफ्रीका, और हाशिम साथ ही खड़ा था और उसका ऑटोग्राफ हमने नहीं लिया। शुरू में जब स्टार्ट की इंटरनेशनल खेल रहे थे तो मेरा वास्ता पड़ा इनसे, और एक साल हम साथ खेले, लक्षिंग से खेले साथ में, और कैरेक्टर उस जमाने में, ये बाद में कैरेक्टर बिल्ड नहीं हुआ, ये उस जमाने में ही था, क्योंकि मोस्टली हमारे जो हफ्ते में तीन चार या पांच मैचेज होते थे, दूर ड्राइव करने जाना होता था, तो मोस्टली मेरे साथ ही हाशिम होते थे और नैंटी हैवुड होते थे, मेरे साथ ही होते थे, और हम शेयर करते थे ड्राइविंग, शेयर करते थे, तीन घंटे की ड्राइव है, एक एक घंटा करते थे, और बीच में कभी ऐसा भी देखने हो गया कि कुछ हम खाने के लिए मैं और नैंटी चले गए, तो वापस आते तो ये मेरी गाड़ी धो रहे होते थे, मतलब ये कैरेक्टर देखा। तो ये चीजें, उसके बाद इनके जो खाना होता था ये पूरा दो महीने का स्ट्रिंग फूड लेके आए हुए थे साउथ अफ्रीका से, तो एक दफा बस घर पे आए, वैसी बात है यहाँ पे उनको खाना गरम गरम मिला, तो रोजाना शाम उनकी घर पे गुजरती थी, और बहुत ही बच्चों के साथ भी और सबके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आया। फिर ये 2004-05 में शायद या बाद में साउथ अफ्रीका टीम पाकिस्तान आई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो कराची टेस्ट मैच हुआ तो मैं इनको लेके आया, तो इन्होंने कहा लस्सी पीनी है, तो मैं भादराबाद के थड़े में बैठ के लस्सी पी, देखे आप, और बहुत बड़ा नाम था उसका। ये आपने क्या खूबसूरत बातें बता दी, ये है ना एक्सक्लूसिव चीज,
अच्छा राशिद, मैं एक चीज नोट कर रहा था कि साउथ अफ्रीका की जानिब से सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, एक एबी डिविलियर्स जिनकी 50.66 की टेस्ट मैच की एवरेज है और 53.50 की वनडे की एवरेज है, और हाशिम जिनकी 46.64 टेस्ट मैचेस की है और 49.46 वनडे की है, सो 45 प्लस। लेकिन लास्ट दो साल में हाशिम की टेस्ट एवरेज ड्रॉप डाउन टू 26.9 और वन डेज में 36.6। सो मेरा ख्याल है कि हाशिम ने ठीक डिसाइड किया है, बुरी फॉर्म में होता है ना अपने स्ट्रोक्स रोक देता है, लेकिन वो उसी फ्लो में जाते थे खेलने के लिए जिस तरह से वो पहले खेला करते थे, तो जहाँ मूवमेंट होगी तो अपने कोशिश बहुत की, क्योंकि इनका जो डाटा एनालिस्ट था वो नडाल के साथ काम किया हुआ है उसने, उन्होंने रखा हुआ था एक जो, लेकिन बीच में जाकर हर वक्त 24 घंटे तो नहीं होता, लेकिन इनके पास बैटिंग के इशू हो गए थे क्योंकि आप कहीं ना कहीं जरूर पकड़े जाते हैं, आई साइड वीक होते हैं, आपके फुटबॉल थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तो आपका माइंड सही से काम नहीं करता, जहाँ पे वो मिस्टेक करते चले गए, और टीम भी अगर हार रही हो तो उसमें ज्यादा होता है, अगर साउथ अफ्रीका अगर जीती रहती शायद इतने इशूज नहीं आते, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारे, फिर वर्ल्ड कप से फौरन ही बाहर हो गए, तो ये रीजन ज्यादा बना इनके रिटायर होने का। सही कह रहे हैं। अच्छा राशिद, एक और आपको भी उस तरह का इंटरेस्ट जरूर होता है कि आप हमेशा बताते हैं कि करियर बैट्समैन मैच्योर कब होता है, तो हाशिम आमला जो है अपने पहले 39 टेस्ट में यानी दिसंबर 2009 तक उन्होंने 39 टेस्ट खेले थे और 2587 रन स्कोर किए थे, 39.80 की एवरेज से 700 थे, ये उनका प्राइमिंग पीरियड था। लेकिन जो उनका प्राइम आपको नजर आता है वो जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2014 तक के जो 5 साल है, 4059 रन उन्होंने स्कोर किए, 65.62 की एवरेज से और 16 सेंचुरी स्कोर की, सो दैट वाज हिज पीक। और फिर 2015 के बाद वो पहले थोड़ा स्टडी रहे 2 साल और फिर वो नीचे आना शुरू हुए कि 43 टेस्ट में 2626 उनके रन और 36.47 की एवरेज 500। सो बेसिक जो उनका प्राइम पीरियड रहा वो 2010 जनवरी से 2014 दिसंबर तक रहा टेस्ट मैच क्रिकेट में, जिसको आप एनालाइज करेंगे। इसका मतलब है कि ये बड़ा इनका मेथड जो अगर आप देखें कि इन्होंने इनिशियली अपने आप को एक कह सकते हैं अबव एवरेज प्लेयर और फिर 5 साल इनके एक्सेप्शनल रहे हाशिम। नहीं, इन्होंने सीखा, कुछ प्लेयर होते हैं कि आते ही मास्टर प्लेयर होते हैं, लेकिन ये मास्टर बने खेल खेल के, जैसे आपने 39 टेस्ट में 2000 प्लस रन का बताया, तो ये एवरेज प्लेयर एक होता है उसका, ये एवरेज से बाबा आप कह सकते हैं 39 का एवरेज, लेकिन उसके बाद जो ये इन्होंने रन किए ये ग्रेट प्लेयर की निशानी होती है, जीनियस की निशानी होती है कि उसने अपने हालात में खेलते हुए बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से सक्सेस उनको मिली। और ये एग्जांपल है कुछ प्लेयर्स के लिए जो कि शुरू में फ्लॉप होते हैं और नीचे चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें आप मार्वन अटापाटू को कह लें, हाशिम आमला, ग्रैम बुश, सईद अनवर, ये वो प्लेयर हैं अपने करियर में शुरू में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, 2-2-0 किए, सईद अनवर ने 2-0 किए, ग्रैम बुश ने किए 5-0 किए, मार्वन अटापाटू, तो ये मिसालें हैं, तो इनको देख के आप सीख सकते हैं कि कोई इशू नहीं है, अगर हम अच्छी डायरेक्शन में, अच्छी प्रैक्टिस में और दिल लगी से काम करें तो आपको सक्सेस मिलती है। अच्छा राशिद, और अगर आप मैं ग्रेटनेस ऑफ हाशिम आमला बहसियत इंसान तो पैरेलल ही कोई नहीं है ना, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इनकार किया था कि वो अल्कोहल वाला कासल वो जो है लागर का नहीं लगाएंगे और उन्होंने सारे पैसे छोड़ दिए और बाद में तो खैर अजहर अली ने भी फॉलो किया, लेकिन जिनकी ग्रेटनेस आपको नजर आती है वो ये है कि हम लोग वो हम जा रहे होते हैं प्रोफाइल पे, तो समझते हैं या काले से भी डिविलियर्स या स्मिथ, लेकिन आप हैरान होंगे साउथ अफ्रीका की जानिब से जो ओवरसीज टूर हुए, यानी कि आपने इन साउथ अफ्रीका में, जी जी बोले बोले, क्या हो गया था आपको, ज्यादा टाइम हो गया। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका ने जो बाहर टूर किए वो जनवरी 2007 से लेके अगर आप दिसंबर 2014 के 7 साल निकाले तो आप हैरान होंगे कि ओवरसीज टूर पे यानी कि अवे टूर्स पे हाशिम आमला
has been the best South African batsman. 34 test mein 62.28 ki average aur 12 centuries inhone score ki outside South Africa. Second best Graham Smith hai 57.88 ki average aur 11 centuries. Third hai AB de Villiers 60.20 ki average aur 7 centuries aur Yaad Khalis chauthe pe aate hai 53.10 ki average aur 11 centuries. So Hashim Amla has been the best away series player for South Africa for 7 years. 7 saal. नहीं बिल्कुल टेक्निक के लिहाज से अगर देखा जाए जो इनके मोस्टली मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका यहीं पे ज्यादातर खेले इंडिया में फ्लॉप हुए बुरी तरह लेकिन इनके ऑस्ट्रेलिया की एक 197-198 की एक पर्स की इनिंग थी वो मैंने देखी थी वो आउटस्टैंडिंग थी वो मैच जिताने वाली इनिंग थी वो थी इसके अलावा इंग्लैंड में डबल सेंचुरी थी तो बेहद आशा लेकिन एक इनिंग थी इंडिया में ओनली ट्रिपल सेंचुरियन है साउथ अफ्रीका से ओनली और एक इनिंग इंडिया में थी उसका आप देख लीजिएगा उसमें दोनों ने एबी डिविलियर्स ने और आशिम आमला ने कोई 200 कुछ बॉलें खेल दी थी कोई चंद रन बनाए थे क्योंकि ब्रेक हो रही थी बॉल तो उन्होंने बस अपने आप को वहीं पे रखा था वो भी एक इनिंग यादगार इनिंग में से एक है अच्छा एक लास्ट राशिद इससे पहले कि हम आमला भाई पे उनको विश करें ऑल द बेस्ट फॉर हिज अदर करियर नाउ और ही रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एक सेंटर लीडिंग करियर लेकिन आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि 7 साल जो जनवरी 2010 से दिसंबर 2017 तक हाशिम आमला ने वनडे इंटरनेशनल्स में 90.14 का इनका स्ट्राइक रेट था 90.14 का यानी कि दुनिया में फर्स्ट बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा इस पीरियड में वो भी डिविलियर्स का था 109.81 और त्रिकर रत्न दिलशान कुमार संगकारा और विराट कोहली ये बेस्ट रन रेट्स इसके नेट स्ट्राइक रेट्स के साथ थे तो हाशिम ने 25 सेंचुरियां स्कोर की इस 7 साल के पीरियड में वनडे इंटरनेशनल्स में और 51.84 की एवरेज रखी तो यानी कि टेस्ट क्रिकेट में भी उन 7 सालों में बहुत आगे थे और वनडे क्रिकेट में भी बहुत आगे थे आपके चश्मे में आपका लैपटॉप नजर आ रहा है जिसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है गॉड बैंड गॉड बियाइंड God bless.